ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन में जरूर प्रेस करें। तो नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल भक्ति संगीत नेचर टूरिज्म में आपका स्वागत है। और हाउ टू ड्राइव कार हम सिखाएंगे आपको कि गाड़ी कैसे चलाएं। पहले पार्ट में हमने बताया था कि गियर कैसे ऑपरेट करना है, इसमें हम बताएंगे कि ABC एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच। और हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको ऐसे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और हम कार के बारे में बता सके। मैं कैमरा पर्सन विजय कुमार साहू डोंगरगढ़, हम फिर से आपको अपने चैनल भक्ति संगीत नेचर टूरिज्म में ले आए हैं और आपको बताएंगे कि गाड़ी कैसे चलाए और ऑपरेट कैसे करें ABC को, एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हो गया एक्सीलेटर, ये हो गया ब्रेक और ये हो गया क्लच। ए से एक्सीलेटर और बी से ब्रेक और ये हो गया सी से क्लच। तो मित्रों, एक्सीलेटर का मतलब ये होता है जब हम गाड़ी सीख जाते हैं। और ये देखिए, गाड़ी जब हम सीख जाते हैं और फर्स्ट गियर में हम चलाते हैं गाड़ी और हमको लगता है कि स्पीड हमको बढ़ाना है, तो ये एक्सीलेटर है, इसको हमें धीरे 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 बढ़ाना है। इससे क्या होगी, गाड़ी आगे बढ़ेगी और गाड़ी को स्पीड मिलेगी। सभी गियर में हमको एक्सीलेटर में काम करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ में। और रिवर्स में भी हमें एक्सीलेटर देना है जिससे हम रिवाइंड पीछे जा सकते हैं। ये एक्सीलेटर का काम, एस एक्सीलेटर का काम है गति देना और स्पीड देना। हमें कंट्रोल करके ही एक्सीलेटर देना है, सामने हमारा ध्यान रहना चाहिए। और अगर हम एक्सीलेटर बढ़ा दें और ध्यान हमारा इधर उधर हो गया तो गाड़ी ठुक जाएगी, हमको क्रैश समझो क्रैश हो जाएगा। अगर हम एक्सीलेटर बढ़ा दिए और हमारा ध्यान अगर भटक गया और एक्सीलेटर हम बढ़ा दिए, स्पीड कर दिए, तो गाड़ी ठुक जाएगी और क्रैश होने का डर रहेगा। तो इसको हमें ध्यान रखकर ऑपरेट करना है। और ये हो गया बी से ब्रेक। तो ब्रेक का काम बहुत इम्पोर्टेंट है गाड़ी में, हर समय हमें गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक का उपयोग करना पड़ता है गाड़ी रोकने के लिए। और समझो ब्रेक इम्पोर्टेंट है गाड़ी के लिए, क्योंकि हम गाड़ी चलाएं तो हमें ब्रेक देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जब हम ब्रेक देते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अचानक कोई जानवर आ गया, कोई इंसान आ गए या सडनली कोई आ गया, तो हमें ब्रेक लगानी कैसी है। तो ये ब्रेक है, ब्रेक बहुत जरूरी है, हमें संतुलित सही ढंग से ब्रेक लगाना है। और ये सी से क्लच हो गया। तो क्लच का भाग वही है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो क्लच इम्पोर्टेंट है, क्लच देकर ही हमें गाड़ी को गियर ऑपरेट करना है। ये देखिए गियर है, गियर ऑपरेट करना है। और जब हम गियर लगाते हैं तो क्लच देकर ही हमें गियर बदलना है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्लच को धीरे धीरे छोड़कर ही आगे बढ़ना है। तो मित्रों, जब हम स्पीड में रहते हैं और अचानक कोई जानवर आ गया, कोई इंसान आ गया, तो हमें ये क्लच है, क्लच को दबाकर ब्रेक दबाना है, तो गाड़ी अचानक रुक जाएगी और गाड़ी बंद भी नहीं होगी इंजन। फिर हमें क्या करना है, तुरंत ये जो लीवर है इसको हमें क्या करना है, न्यूट्रल कर देना है। न्यूट्रल करने से गाड़ी बिना गियर की रहेगी और गाड़ी रुक जाएगी। तो इस तरीके से हम सीख सकते हैं, ए से एक्सीलेटर, बी से ब्रेक और सी से क्लच। क्लच को हमें नहीं छोड़ना है, क्लच के बिना गाड़ी ऑपरेट नहीं होगी, गाड़ी बंद हो जाएगी। हमें चलाते चलाते अगर रोकना है गाड़ी को, तो अगर हम बिना क्लच दे अगर गाड़ी को रोक दे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। अगर क्लच देकर हमें रोकेंगे तो गाड़ी बंद नहीं होगी, गाड़ी चालू रहेगी, खड़ी रहेगी। तो इस तरीके से हमें इसको ऑपरेट करना है। फिर से बताता हूँ, ए से एक्सीलेटर, बी से ब्रेक, सी से क्लच, तीनों का कंबाइन अगर हम सीख गए तो हम गाड़ी चलाना सीख जाएंगे।
बहुत आसान है गाड़ी चलाना। हमने पहले वीडियो में बताया था कि गियर कैसे लगाएं, ये देखिए, पहला सेकंड, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा और रिवर्स। हमने चारों पांचों गियर के बारे में बताया था और रिवर्स के बारे में बताया था। तो इम्पोर्टेंट है ये ABC एक्सीलेटर ब्रेक, और ये गाड़ी चलाना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमें ये लर्न हो जाएगा कि कहाँ पर हमें एक्सीलेटर देना है, कहाँ पर ब्रेक लगानी है और कहाँ पर हमें क्लच का उपयोग करना है। क्लच का उपयोग तो बहुत जरूरी है गाड़ी में अगर आप चलाते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो क्लच में आपका पैर रहना चाहिए, तभी आप गाड़ी चला पाएंगे ठीक ढंग से, नहीं तो आपकी गाड़ी बार बार बंद हो जाएगी। तो मित्रों, ये मैंने बताया था, ये हैंड ब्रेक है। इमरजेंसी में कहीं पर हमें पार्क करनी है और यदि गाड़ी हमारी ढलान में है तो हमें इसको इमरजेंसी ब्रेक देना पड़ता है जिससे गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, रुक जाती। ये इमरजेंसी ब्रेक है, ये देखिए, और ये देखिए, स्टेरिंग है ये, और यहाँ से हम लाइट को ऑपरेट करते हैं। ये लाइट ऑन हो गया, लाइट ऑफ हो गया, फिर से ऑन, फिर से ऑफ, और ये अपर, ये डीपर, अपर डीपर देने का है ये। और मित्रों, ये इंजन स्टार्ट करने का है, जब हम शुरू करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट है, क्योंकि गाड़ी अभी गियर में नहीं है, विदाउट गियर है, इसलिए गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और ये है हैंड ब्रेक, मैंने हैंड ब्रेक लगा दिया है तो गाड़ी तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगी। अब इंजन स्टार्ट हो चुका है, तो इंजन स्टार्ट होने के बाद हम गाड़ी को आगे ऑपरेट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इसका, ये मीटर का कांटा है, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हमेशा ऊपर रहना चाहिए, तीन कांटे में रहना चाहिए, और ये एक में आ गया तो समझो आपकी बैटरी डाउन है, आपको मतलब गाड़ी को बीच बीच में चलाते रहना चाहिए या फिर रिचार्जेबल रहना चाहिए। और इस तरफ जो है फ्यूल का है, फ्यूल का कांटा है, आपको बताएगा कि यहाँ पर कितना फ्यूल है। और ये जो है स्वाइप का है, पानी का, जब हम स्वाइप करते हैं पानी वानी गिरता है, और इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए मित्रों पानी आएगा सामने से, ये देखिए पानी आ रहा है, इसको फिर हम यहाँ से स्वाइप कर सकते हैं। ये सभी गाड़ियों में कॉमन रहता है, हम इस तरीके से कर सकते हैं और आगे हम बढ़ सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम सभी गाड़ियों में रहता है, तो इस तरीके से मित्रों हम गाड़ी आसानी से चला सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये हो गया एक्सीलेटर, देखिए गाड़ी, इंजन आवाज कर रही है एक्सीलेटर से, ये देखिए, और ये हो गया बी से ब्रेक क्योंकि गाड़ी रुकी है, और ये हो गया क्लच, ये देखिए। तो इसका उपयोग मैंने बता दिया आपको, एक्सीलेटर का उपयोग हमें वहाँ पर देख कर करना है स्पीड के हिसाब से कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड है, हमें कितनी और स्पीड डिलीवरी करनी है। उसके बाद हो गया ब्रेक का उपयोग हमें करना है, और ये हो गया क्लच को हमें छोड़ना नहीं है, अगर क्लच को छोड़ेंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, उसको देख कर ही ऑपरेट करें। मित्रों, जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, ट्रैफिक रूल्स का हम पालन करेंगे तो हम गाड़ी हम अच्छी तरीके से चला पाएंगे और सुरक्षित रहेंगे और लोगों को सुरक्षित रखेंगे हम, क्योंकि हमें सारी चीज़ों को फॉलो करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट इस तरीके से हमें यहाँ पर प्लेस करके, ये देखिए मैंने प्लेस कर लिया है, खींच लिया है सीट बेल्ट को, इस तरीके से सीट बेल्ट हम ये,
तो इस तरीके से हमें सीट बेल्ट लगानी है और लॉन्ग ड्राइव जाते हैं, कोई भी ड्राइव जाते हैं इस तरीके से हम सीट बेल्ट को लगाकर हम ड्राइव करें गाड़ी, जिससे हम सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे और कोई भी परेशानी से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ट्रैफिक का नियम है कि हम अगर बाइक में है तो हेलमेट लगाएं और कार में है तो सीट बेल्ट का लगाकर ही ड्राइव करें, तभी हम गाड़ी को अच्छे से चला पाएंगे और खुद को, परिवार को हम सुरक्षित रखेंगे। तो मित्रों, मैंने सारी जानकारी आपको बता दिया है कि गाड़ी कैसे चलाएं, पार्ट टू है ये। पार्ट वन में मैंने बताया था कि गियर कैसे ऑपरेट करें, पार्ट टू में मैंने बताया कि ABC को कैसे हम ऑपरेट करें और अन्य चीज़ों को बताया मैंने। तो इस तरीके से मित्रों, हमारे अगर चैनल में आप नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के वीडियो मिल सके। मित्रों, गाड़ी का और एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए मित्रों, गाड़ी का मैं और इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ, ये पीछे का डिक्की खोलने का है और ये पेट्रोल का ढक्कन खोलने का है। पेट्रोल का जो कैप लगा रहता है उसको हम प्रेस करेंगे, ऐसे उठाएंगे तो पेट्रोल का कैप खुल जाएगा और ये पीछे का जो डिक्की है, ये जो भाग है पीछे का, ये जो भाग, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये खुल जाएगा। और ये जो है मित्रों, ये जो भाग है, ये इसको अगर मैं इसे खींचता हूँ जोर से तो सामने का जो बोनट है वो खुल जाएगा। तो ये है और ये फ्यूज का है, फ्यूज है लगा है यहाँ। तो इस तरीके से है, सब अलग अलग सिस्टम है। तो हम गाड़ी के बारे में धीरे धीरे आसानी से सीख सकते हैं, पहले हम गाड़ी चलाना सीखें, फिर हम सब समझ में आ जाएगा कि हम गाड़ी कैसे चलाएं।